हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम बैक इन माय चैनल विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। चिल्ड्रेन, आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर SST बुक्स चैप्टर 10, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात के साधन या वे साधन जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और कम्युनिकेशन क्या होते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के मैसेज को प्राप्त करना, ये सब कहलाते हैं कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने वाले साधनों के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके द्वारा जो मैसेजेस हैं, जो समाचार वगैरह होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंच पाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, सम वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो कुछ वर्ड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, तो आपको उन्हें क्या करना है, राइट देम इन ए करेक्ट कॉलम। तो यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि आप कौन से ये ट्रांसपोर्ट हैं और कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे बेटे की बुक है और उसने ये लिखा हुआ है। आप भी अपनी जो बुक है उसमें इसको फिल कर लीजिए। और चलिए हम शुरू करेंगे चैप्टर। वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द कंट्री टू अनदर इन फ्यू आवर्स। वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अवे इन अ सेकेंड्स। ऑल दीज हैव बीन मेड पॉसिबल बाई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ देखिए, हम देश के एक कोने या छोर से देश के दूसरे कोने या छोर की यात्रा कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। कैसे तय कर पाते हैं? ऑल दीज हैव बीन मेड पॉसिबल, ये सभी कैसे संभव हो पाते हैं? और ये सब संभव हैं आधुनिक यातायात के साधनों और संचार के साधनों के वजह से। ठीक है, तो जो आजकल के जो संचार के साधन हैं या जो यातायात के साधन हैं वो बहुत मॉडर्न हैं और वो बहुत फास्ट भी हैं, और यही कारण है कि हम अपने रिलेटिव से या जान पहचान वालों से, मित्रों से, संबंधियों से कम्युनिकेशन यानी बातचीत घर बैठे कुछ सेकंड में ही कर लेते हैं या उन्हें हम देख भी पाते हैं। और इसी तरह से हम अपने देश में एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए हमें बहुत कम समय लगता है, क्योंकि मॉडर्न जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो बहुत फास्ट हैं और हम कुछ ही सेकंड में घंटों की दूरी मिनटों में तय कर पाते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट है। अर्ली ह्यूमन ट्रैवल्ड ऑन फुट। जो प्राचीन मनुष्य थे, जो प्राचीन काल में जो मनुष्य थे, वो लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि उनके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं था, यातायात का कोई भी साधन उनके पास नहीं था। देन दे इन्वेंटेड द व्हील एंड स्टार्टेड मेकिंग कार्ट्स। इन्वेंटेड का मतलब क्या होता है? आविष्कार करना। उसके बाद उन्होंने आविष्कार किया पहिए का। ओके, तो उन्होंने जब पहिए का आविष्कार किया तो फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कार्ट्स बनाना सीखा, यानी गाड़ियों को बनाने को उन्होंने सीखा। दीज वेयर पुल्ड बाई एनिमल्स, और ये जो गाड़ियाँ होती थीं इन्हें जानवर खींचते थे। हाउएवर दीज वेयर स्लो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यद्यपि कि ये जो ट्रांसपोर्ट के जो का जो ये साधन था ये बहुत ही स्लो था, बहुत ही धीमा था। टुडे देयर आर फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस इन वेरी लेस टाइम। लेकिन आजकल के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, वो क्या हैं? बहुत लंबी दूरी को भी बहुत ही कम समय में पूरे करने वाले साधन हैं। ये तीव्र यातायात के, तीव्रगामी यातायात के साधन हैं। इंडिया हैज़ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में
बहुत ही अच्छी तरह से सुविकसित नेटवर्क है, यानी जाल है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के सुविकसित जाल हमारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यातायात के साधनों की। तो अभी हम रोडवेज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज यानी सड़क मार्ग, ठीक है। तो आवर कंट्री हैज़ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स, द रोड्स आर आइदर मेटल्ड और अनमेटल्ड। मोस्ट रोड इन सिटीज एंड टाउन्स आर मेटल, दे आर मोड ऑफ स्टोन्स सीमेंट एंड तार। अनमेटल रोड्स आर जनरली फाउंड इन विलेज। तो जो रोडवेज हैं, यानी जो हमारा सड़क मार्ग है, आवर कंट्री हैज़ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स, हमारे भारतवर्ष में रोड का, हमारे भारतवर्ष में सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल है, है ना। सड़कों को, जो ये सड़कें हैं हमारी, द रोड्स आर आइदर मेटल, ये सड़कें जो हैं हमारी, कहीं कहीं ये पक्की सड़कें भी हैं और कहीं कच्ची सड़कें भी हैं। पक्की सड़कें जो होती हैं, मोस्ट ऑफ रोड्स इन सिटीज़ एंड टाउन्स आर मेटल, जो शहरों में या कस्बों में जो सड़कें होती हैं वो पक्की सड़कें हैं। पक्की सड़कें किससे बनी होती हैं, ये स्टोन यानी कि पत्थरों से, सीमेंट से, और तार, तार क्या होते हैं, कोल तार होते हैं, ब्लैक ब्लैक से होते हैं ये, काले काले से, और इन्हें पिघला कर सड़कों पर डाला जाता है, जिससे सड़कें पक्की बन जाती हैं, नहीं टूटती जल्दी। तो आपने कभी देखा है सड़क बनते हुए, जब सड़क बनते हैं तो बहुत बड़े बड़े टैंक में, टैंकरों में ये पिघले हुए जो तार होते हैं ये आते हैं और उनसे उनको रोड पे गिरा जाता है। ये बहुत चिपचिपे होते हैं और काले रंग के होते हैं। आपने काले सड़क इसीलिए देखे होंगे क्योंकि इनमें तार डला होता है, इन्हें कोल तार भी हम कहते हैं। तो इनसे जो सड़कें बनती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, जिससे भारी वाहन भी इन पर बड़े आराम से चल सकते हैं और रोड बिल्कुल भी नहीं टूटते। अनमेटल रोड्स आर जनरली फाउंड इन विलेज। तो जो कच्ची सड़कें होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ देखी जाती हैं, ये गाँव में देखी जाती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड इन इंडिया आर नेशनल हाईवे एंड द स्टेट हाईवे। जो मुख्य सड़कें हैं हमारे भारतवर्ष की, वो राष्ट्रीय राजमार्ग होती हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग और जो राज्य में होती हैं वो राजमार्ग होती हैं। दो नेशनल हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल एंड अदर बिग सिटीज एंड टाउन्स। द स्टेट हाईवे कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स विद इन अ स्टेट विथ अ नेशनल हाईवेज। भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो सड़कें होती हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग हैं। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो राज्यों की राजधानी और अन्य बड़े शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ती हैं, जबकि जो राज्य की राजमार्ग हैं वो एक राज्य के भीतर शहरों और कस्बों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में। रेलवे तो आप जानते ही होंगे, ट्रेन से आपने ज़रूर सफ़र किया होगा। तो हम ट्रेन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिन्हें हम रेलवेज कहते हैं। रेलवेज आर द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री, दे कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रेन्स आर रन बाई स्टीम इंजन, दे वेयर रिप्लेस्ड बाई डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। दिस increase the speed of trains. Nowadays, trains such as Rajdhani Express and Shatabdi Express travel at a speed of 120 to 130 km per hour. तो जो रेलवे हैं ये हमारे देश की क्या हैं, जीवन रेखा हैं, लाइफ लाइन हैं ये, ओके। वे भारत के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। आपने देखे होंगे जो ट्रेनें होती हैं वो हमारे देश के सभी हिस्सों में दौड़ती हैं। और इनका नाम रेलवेज क्यों है, रेल का मतलब होता है आयरन की जो पटरियां होती हैं उन पे ये चलते हैं। तो रेलवेज, रेल पे चलने वाली ये वेज हैं, साधन है, रेल पे चलने वाली ये साधन है, इसलिए इनको हम रेलवेज भी कहते हैं। तो ये हमारे देश की क्या हैं, जीवन रेखा हैं, और ये भारत के सभी हिस्सों को जोड़ते हैं। आज़ादी के समय जो हमारी ट्रेनें थीं वो भाप के इंजन से चलती थी, यानी कि वो स्टीम के इंजन से ही चलती थीं, और इनकी जगह अब क्या ले लिया है, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने ले ली है, जिससे जो ट्रेन की जो रफ्तार है, जो गति है, वो काफ़ी
तीव्र हो गई है, काफ़ी तेज हो गई हैं। आजकल जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है, आपने ज़रूर सुना होगा राजधानी एक्सप्रेस का नाम, है ना। आजकल जो राजधानी एक्सप्रेस है और जो शताब्दी एक्सप्रेस है, ये सभी ट्रेनें 120 से 130 किलोमीटर एक घंटे की रफ्तार से चलती हैं, यानी कि 120 किलोमीटर वो एक घंटे में तय करती हैं या 130 किलोमीटर वो एक घंटे में तय करती हैं। तो सोचिए उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, है ना। इन सम सिटीज़ देयर आर मेट्रो ट्रेन्स, कुछ शहरों में तो मेट्रो ट्रेन भी हैं। दीज ट्रेन्स मूव्ड ऑन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक। मुंबई हैज़ अ वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन्स। कुछ शहरों में मेट्रो ट्रेनें भी हैं और ये ट्रेनें एलिवेटेड या अंडरग्राउंड ट्रैक पर चलती हैं। तो जो मुंबई में लोकल ट्रेन हैं, वो लोकल ट्रेनों का जो नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, यानी मुंबई की जो ट्रेन व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अब आइए यहाँ हम देखते हैं कि फैक्ट वाइज में क्या लिखा है। द प्लेस ऑन व्हील्स, ये एक ट्रेन का नाम है। द प्लेस ऑन व्हील्स क्या है, एक ट्रेन का नाम है। और द महाराजा एक्सप्रेस, ये भी एक ट्रेन है। एंड द दक्कन ओडेसीज आर नेम्स ऑफ लग्जरी ट्रेन्स इन इंडिया। दीज ट्रेन्स आर पॉपुलर विद फॉरेन टूरिस्ट। तो जो प्लेस ऑन व्हील्स हैं, ये बिल्कुल आपको राजमहल जैसा ये ट्रेन ऐसा है जिसमें अगर आप बैठेंगे तो आप अपने आप को महाराजा से कम नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पैलेस की तरह ही है, राजमहल की तरह ही है। महाराजा एक्सप्रेस और डेक्कन ओडेसी भारत में ये लग्जरी ट्रेनों के नाम हैं। और ये ट्रेनें विदेशी पर्यटकों के बीच में, काफ़ी जो विदेशी पर्यटक हमारे आते हैं ना, वो इन ट्रेनों में सफ़र करते हैं। हम सब भी करते हैं, लेकिन वो लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जल मार्ग, यानी वाटर वेज, यानी पानी के रास्ते से आना जाना कैसे हो पाता है और कौन कौन से साधन हैं जिनसे हम पानी के रास्ते आना जाना कर सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ चेक पोस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स, पैसेंजर्स, शिप कैरी पीपल, कार्गो शिप ट्रांसपोर्ट गुड, टैंकर शिप कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल। तो जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, ये जल परिवहन कहलाते हैं हिंदी में। और जो जल परिवहन है, ये सबसे सस्ता साधन है और भारी माल के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त भी हैं। इन पे बहुत भारी सामान एक देश से, एक शहर नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश को जाते हैं ये। और ये बहुत ही उपयुक्त हैं, बहुत ही सस्ते हैं। ये यात्री जहाज जो होता है वो लोगों को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि दूसरा मालवाहक जहाज होता है और ये सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। टैंकर जहाज पेट्रोलियम और तेल भी ले जाते हैं। जो टैंकर जहाज होते हैं वो पेट्रोलियम और तेल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। Along India coastal line there are 13 major and nearly 200 major ports. The Deen Dayal port and the Paradeep port handle a large quantity of cargo. भारत के समुद्र तट के साथ 13 प्रमुख और लगभग 200 छोटे बंदरगाह भी हैं। दीन दयाल बंदरगाह जो कि गुजरात में है और पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, ये बड़ी मात्रा में कार्गो संभालते हैं। कार्गो यानी कि सामानों का लाना ले जाना ये संभालते हैं। ओके, तो हम आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम कल दोबारा एयरवेज से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तब तक आप दोबारा एक बार फिर से पढ़िए इन्हें और मैं बहुत जल्दी आपके इस चैप्टर को ख़त्म करके और झटपट आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करके दूंगी। तब तक आप एक बार चैप्टर को दोबारा पढ़ें और जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक अपना ध्यान रखें बच्चों और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।